गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ द थर्ड ट्रिप और आज प्रकाश और मैं चंद्रपुर की तरफ जा रहे हैं। It's a beautiful day. It's a beautiful day. We're gonna ride on all day. It's a beautiful day. It's so nice to reach here, this green. अब देखिए 20 मिनट हो गया मेरे घर से और ऐसी जगह पहुंच जाता है, मतलब गुवाहाटी से। ये देखिए ब्रह्मपुत्र का जो है, इट्स ओवर डेंजर लेवल नाउ। बहुत ज़्यादा बारिश होता है यहाँ मानसून में, आसाम में इतना बारिश होता है। ऑल्सो इट्स लाइक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है चेरापूंजी, वो यहाँ से अगर एज द क्रो फ्लाइज अगर सीधे सीधे देखे तो 100 किलोमीटर भी नहीं है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है आसाम में, और वही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड होता है और ये नदी भी कहाँ तक ले पाएगी। मतलब तो यहाँ पे ना ये खासियत एक और चीज़ है कि ये जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना हरियाली है, इतने सारे सब्ज़ी और ये सब होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या, मतलब सारे लोकल चीज़ें, साग, ये जो लौकी के और किस किस तरह के साग मिलते हैं, या कहते नहीं है ही सच कि बिहू के टाइम जो हम लोगों का बैसाखी के टाइम, बिहू के टाइम जो हमारा फेस्टिवल है, 101 साग पेश करते हैं। पिताजी और मैं एक बारी हम बैठे थे डाइनिंग टेबल में ऐसे डिस्कस करने के कितने साग हमको पता है, तो हम दोनों के बीच करीब 60 या 70 साग हम लोगों ने याद किया था। सो वी कुड नो दैट मेनी, तो सोचिए कितना है यहाँ पे सीधे फ्रेश खेत से, एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट, नॉट ओनली खेत, फॉरेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, जैसे कि ना यहाँ पे ये जो है केले का पेड़ का कटा हुआ है, ये पोसोला करते हैं हम इसको केले के पीछे। देखिए तरह तरह के साग, कोसू बोलते हैं अरबी के जो स्टेम्स है वो। यहाँ देखिए आगे साग और इसमें एक फ्लावर भी है, ये देखिए यहाँ पे एक फ्लावर भी है, है ना। तो ये इसमें फर्न्स हैं, अलग तरह तरह चीज़ें हैं, वो ढेकिया बोलते हैं उसको, वो फर्न जिसको ढेकिया बोलते हैं, ये अलग अलग है, ये अलग अलग तरह के साग हैं। ये फूल जो है ना, इसको भी ड्राई करके खाते, इसको खेवाली बोलते, साथ में मच्छी है। सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकल यू नो वेजिटेबल्स एंड साग यू गेट एवरीवेयर यू गो। वो देखिए आगे ब्रह्मपुत्र का प्रकोप यहाँ तक पहुँच गया। सो वी आर एक्चुअली वेरी रिच विद वेजिटेबल्स ऑल्सो एंड यू नो सब्जियाँ एज वेल एज नॉन वेज, बिकॉज यहाँ फॉरेस्ट इतने हैं, यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जंगल है तो लॉट्स ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे जो सार फ्रूट्स है, जो खट्टे तरह के फल होते हैं, सार फ्रूट्स नींबू, ये जो आप लोग चकुतरा या इस तरह के नारंगी हो गया, किनू हो गया, तो यहाँ पे खट्टी चीज़ें इतनी हैं। इट्स लाइक एटलीस्ट आई नो हम लोग ही खाते हैं करीब 20 तरह के, आई कैन टेल यू 20 सार फ्रूट्स। तो इट्स अ पैराडाइज फॉर पीपल हु वांट टू लिव ऑन वेजिटेरियन फूड एंड एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड। सो बेसिकली इट्स जस्ट पैराडाइज। आप वैसे भी आप इस यहाँ का जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इज द माइटीएस्ट रिवर कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना वॉल्यूम है, ये जितना चौड़ा है, जितना वाइड है, ऐसा रिवर है नहीं इंडिया में। एंड दिस इज़ ओनली, आपको पता हो ना हो, ब्रह्मपुत्र इज़ द ओनली मेल रिवर, नाम से भी ब्रह्मपुत्र,
बाकी सब आप देखेंगे तो फीमेल रिवर्स होते हैं। तो इसका जो एक मैस्कुलिन कैरेक्टर बोलते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा फेरिशियस, बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर काबू से बाहर जाए, पानी जब भरता है इसमें। एंड इट्स कमिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर। इसका अगर ओरिजिन देखें हम, इसका ओरिजिन है मानसरोवर में, ऊपर से तिब्बत से हो के चाइना के उधर से होते हुए अरुणाचल में से अंदर आता है इंडिया, फिर आसाम होते हुए बांग्लादेश चला जाता है। तो अरुणाचल से जब आता है तो तीन ट्रिब्यूटरीज मिलके, लोहित वोहित मिलके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होता है। सो आई लव माई ट्रेवल्स, और मैं बहुत ज़्यादा रॉ ट्रैवल मुझे पसंद है। मैं जिस तरह का ट्रैवल करता आया हूँ ज़्यादातर, वो कहीं भी कैसे भी बेसिक ट्रैवल्स, वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बड़े डेस्टिनेशन जाओ, बड़े होटलों में रहो, यू नो, फाइव स्टार्स ये वो, उससे अच्छा मुझे ये लगता है जो रॉ होता है, जो आप खुद अननोन जगह जाते हो, जो आप डिस्कवर करते हो। तो इसीलिए आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, एंड माई फ्रेंड्स यू शुड टेल मी दैट्स व्हाई दैट यार तू इतना, मतलब मेरे साथ मज़ा आता है मेरे दोस्तों को ट्रैवल करने में। तो तभी मैंने सोचा, मुझे किसी ने कहा भी था, तो मैंने तभी सोचा कि चलो यार मैं मज़ा तो लेता हूँ ट्रैवल में बहुत ज़्यादा, तो और लोगों को शामिल कर लेता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस ट्रैवल सीरीज। मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को भी घुमाता हूँ, मैं कैसे घूमता हूँ। बहुत दिनों बाद एक रेल गेट मिला है, ट्रेन लाइन मिला है यहाँ पे, मास्टर जी ने खोल दिया है, तो अभी हम निकल पड़े हैं फिर से। तो अभी हम मेन रोड से थोड़े से हटके आ गए, इस ये कभी नहीं आया हूँ मैं इस रोड पे, पहली बार आ रहा हूँ। ये जो मज़ा है ना, ये आपको वो लग्जरी ट्रैवल में नहीं है, जहाँ पे होटलों में जाके रहो ये वो। ये देखिए ना, इस पेड़ का कैरेक्टर देखिए ना, वाह। यहाँ मतलब बैठे रहे, तसव्वुरे जाना किए, इसमें हवा का ही मज़ा कुछ और है। इसमें जो आपको स्मेल्स मिलते हैं तरह तरह के, वही अलग मज़ा, उसी में अलग आपको, आप खो जाते हो, कहीं और ले जाता है। ये तो डिगारो किसी जब नीला मेघर बरनिया पुहर जा इकोर पढ़ाहिया से নেজানুং এ দুখে হসামিসা। ये सारा शूटिंग एडिटिंग खुद ही कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। वी फाउंड दिस रियली नाइस ब्यूटिफुल इन्वाइटिंग ग्रीन क्वाइट स्पॉट, and we thought of taking a break and also give a break to our bum chiki chiki bum and then maybe, you know, decide which way to go. This is like another level of green, and so many shades of green. Where is he heading to now? Oh, look at these mushrooms. The golden, silver, crazy. So beautiful. This is Sondrapur,
एंड आजकल यहाँ पे एक बर्निंग इशू हो रहा है कि यहाँ पे द न्यू लैंडफिल हैज़ बीन शिफ्टेड हियर, जो गार्बेज का डंप यार्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो लोगों को एतराज़ है क्योंकि ये इतना सुंदर ग्रीन एरिया है, ये इससे पास में नदी बह रहा है एंड वगैरह वगैरह। सो ये जो गार्बेज का इशू है ये इंडिया में, दुनिया में सब तरफ अभी बहुत ही बर्निंग इशू है, तो इसका हल ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव एन जी ओ कॉल अर्थफुल, जहाँ पे हमने बहुत दिनों से यही कोशिश किया है, कुछ सालों से गुवाहाटी में कुछ मोहल्लों में कुछ कॉलोनीज़ में, कि जो घर का कचरा है वो घर पे ही सेपरेट हो, अलग अलग, गीला और सूखा। गीला जो छिलके हैं या फिर यू नो चाय पत्ती है, और सूखा जो प्लास्टिक है, पेपर है, और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको अलग अलग लेके जाए घर से एंड तक, कि प्लास्टिक को रिसाइकल की तरफ जाएगा, और जो गीला है वो उसका बायोगैस बनता है या फिर कंपोस्ट मैन्योर खाद बनता है, और फिर जाके जो ये लैंडफिल या डंप यार्ड के लिए जो अभी इशू हो रहा है वो डंप यार्ड ही ना बने, ज़ीरो वेस्ट कहते हैं इसको। नहीं तो अगर हमने गीला और सूखा साथ मिला के फेंक दिया तो जो गीला वेस्ट है वो टॉक्सिक हो जाता है, और जो सूखा है, जो ड्राई वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, वो रिसाइकल नहीं होता, फिर दोनों बेकार हो जाता है, और फिर दोनों को फेंकना पड़ता है, और तो जाके ये डंप यार्ड बनता है या बड़ा बनता है। तो इसका हल ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ श्वेता इसी सब्जेक्ट को लेके बहुत दिनों से लगी हुई है। इनफैक्ट हम हाल ही में चीफ मिनिस्टर से मिले थे, आसाम के कमिश्नर से मिले थे, म्यूनिसिपलिटी के एक मिनिस्टर से मिले हैं, जिनके अंदर ये डिपार्टमेंट है। हमने उनको पूछा है कि जो आखिर में घर से तो चला जाएगा, आखिर में जो सोल्यूशन है जिसमें प्लास्टिक का फाइनल सोल्यूशन होता है, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने एंड पे सब लोग घर पे करें, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है कि आज यहाँ सोंडोपुर से हटा देंगे तो कहीं और जाएगा, वहाँ सारे तो हमारे ही है, ये पूरा राज्य हमारा है, देश हमारा है, ये प्लैनेट हमारा है, वी हैव टू सेव इट समहाउ। और हमें घर से शुरू करना है कि गीला और सूखा कचरा हम अलग अलग रखें। वी बीन रिक्वेस्टिंग फॉर ईयर्स, नाउ इज़ द टाइम कि यू नो हमको ये साथ मिलके करना है। আগতে এফালে অকণ মাৰি হবলা, তাৰপিছত আহি পেলাই উভতি যায় সোমাই যাম। আপোনাৰ নাম কি, নাম কি আপোনালোকৰ? সুমেশ্বৰ। আপোনাৰ? যোগেশ্বৰ। লগ পাম কেতিয়াবা, দিয়া আহোঁ। So this is elephant dung. हाथी का है और हाथी यहाँ से आया होगा जंगली, and beautiful mushrooms have come out. क्या हवा है, ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है। ये सारा कुछ जो है, कैन इमेजिन, इतना बड़ा शहर गुवाहाटी के आधे घंटे में, दिस इज द काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रीन। तामूल, ये सुपारी के पेड़ है, यहाँ पे कच्चा खाते सुपारी, इसको तामूल बोलते हैं, बहुत सारे तामूल हैं।
मेघालय में इसको क्वाई बोलते हैं। तो प्लान इस तरफ आने का नहीं था आज, दिगारो की तरफ जाने लगे अभी। एंड आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बचपन की कुछ बातें मुझे और कुछ मेमोरीज और कुछ इंसिडेंट्स मेरे सामने आते हैं, जो सब रखने जाऊंगा तो ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस ट्रिप का मैं दो हिस्सा कर देता हूं। आज ये पार्ट वन आप लोगों के लिए एडिट करता हूं और इसी ट्रिप का पार्ट टू अगले हफ्ते या कुछ ही दिनों में रिलीज़ कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ट्रैवल्स पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताते रहिएगा सो आई नो कि कहाँ तक करूँ। एंड जब जब हो सके मैं कुछ अपने ट्रैवल्स यूँ आपके साथ शेयर करते रहूँगा। स्टे सेफ, सी यू सून।